अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जी लिबरस चेक रिपब्लिक में। आज मैं आपको गाड़ी पर दिखाता हूँ यहाँ लिबरस शहर किस तरह का है, रोड्स किस तरह की हैं, यहाँ पर कुछ जो फेमस बिल्डिंग्स या जगह हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं जो अपनी यूनिवर्सिटी के साथ खड़ा हूँ और ये मेरे लेफ्ट साइड पे ऊपर जो है ये यहाँ की रेक्टोरेट बिल्डिंग है। यहाँ पर जितने फाइनेंस के ऑफिस हैं या रेक्टर्स ऑफिस है वो इस बिल्डिंग में है। आपको यूनिवर्सिटी के चारों तरफ घुमा के फिर एकोमोडेशन सर्विस की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ से राइट टर्न लूँगा और ये लेफ्ट साइड पर ये घर है नॉर्मल, लेकिन फ्यूचर में इनका प्लान है कि ये भी ख़रीद लेंगे। और जो राइट साइड पर है ये बिल्डिंग बी है, ये टेक्सटाइल फैकल्टी की मेन बिल्डिंग है। इसमें डीन ऑफिस और यहाँ पर तीन जो डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ टेक्सटाइल के वो इधर हैं। यहाँ से बैक साइड पे यूनिवर्सिटी के कुछ घर, उन्होंने कुछ इनके अपनी प्रॉपर्टी है, कुछ रेंट पे लिए हुए, तो काफ़ी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इधर बैक साइड पर रहते हैं। आजकल तो यहाँ पार्किंग फिर भी कम है, रश यहाँ पर, लेकिन जब स्टूडेंट पीक टाइम पर होते हैं यहाँ पर आपको पार्किंग बहुत ही मुश्किल से मिलती है। और जब हम बैक साइड है यूनिवर्सिटी की, इसमें ये कुछ एरिया जो रिपेयर हो रहा है और इसके आगे बिल्डिंग ई है, ये भी फैकल्टी ऑफ टेक्सटाइल के पास है। इसमें नॉन वूवंस और टेक्सटाइल क्लोथिंग वगैरह के डिपार्टमेंट हैं। उसके बाद आगे जो नज़र आ रही है वो बिल्डिंग जी है राइट साइड पर, ये इकोनॉमिक्स फैकल्टी के पास है। और लेफ्ट साइड पर जो है ये रिसर्च सेंटर है, ये यूनिवर्सिटी और कंपनीज के साथ मिलकर रिसर्च करता है। तो ये फुली प्रोजेक्ट फंडिंग बेस है, ये अपना फाइनेंसेस खुद ही करते हैं पूरे, और डिफरेंट यूरोपीय यूनियन के प्रोजेक्ट्स अप्लाई करते हैं और उसकी फंडिंग से अपने जो जितनी भी कॉस्ट है वो पूरी करते हैं। तकरीबन इसमें भी 700 से 800 एम्प्लॉयज़ हैं जो इस बिल्डिंग में काम करते हैं। तो यहाँ से अब मैं जाऊँगा एकोमोडेशन जो सर्विस है, जो डॉर्मेटरी की इनकी बिल्डिंग्स है उसकी तरफ। यूनिवर्सिटी की तीन जगहों पर डॉर्मेटरीज हैं, उसमें दो जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए हैं और एक जो है वो एम्प्लॉयज़ या पोस्ट डॉक जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए हैं। जो मेन बिल्डिंग है वहाँ पर मैं जाऊँगा, ये वॉकिंग डिस्टेंस है यूनिवर्सिटी से टोटल कोई 2 किलोमीटर है। और इस बिल्डिंग के अंदर टोटल जो कॉम्प्लेक्स है वो 6 बिल्डिंग्स को मिला के है और हर बिल्डिंग के अंदर तकरीबन 600 से 700 स्टूडेंट्स आते हैं। यहाँ से जो स्टूडेंट्स हैं वो तो ये शॉर्ट डिस्टेंस से जा सकते हैं, बीच में एक ब्रिज बना हुआ है और वॉकिंग जो है वो कम पड़ता है, लेकिन कार के साथ आपको पूरा ग्राउंड लेके जाना पड़ता है। ये यहाँ का लिबरस का ये वाला जो एरिया है ये थोड़ा सा पोश एरिया है, इसके अंदर फ्लैट्स नहीं है, ज़्यादातर लोगों के घर हैं और सिंगल घर हैं जिसमें एक घर के अंदर एक ही फैमिली रह रही है, वरना अमूमन यहाँ पर घर जो हैं वो भी डिवाइडेड हैं, उनके अंदर भी 3 से 4 फ्लैट्स होते हैं और डिफरेंट यानी ओनर जो हैं उनके डिफरेंट हैं, जिनके एज अ कम्बाइन वो एक घर को ओन करते हैं। ये अब हम नीचे जा रहे हैं अपने एकोमोडेशन सर्विस की तरफ। यहाँ पर एक 6 बिल्डिंग्स हैं और उन बिल्डिंग्स के अलावा यहाँ पर उनकी कैंटीन और उनके जो प्लेइंग एरिया है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वो भी इसी एरियाज में है। ये अब हम पहुंच गए, हमारे सामने जो है ये कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग्स का एकोमोडेशन का शुरू हो गया। इसमें ये सामने जो है ये बिल्डिंग ए बी और सी हैं, इन
ज़्यादातर बिल्डिंग्स के अंदर जो हैं वो चेक या स्लोवाक्स होते हैं स्टूडेंट्स, और जो फॉरेनर हैं वो कोई टोटल मिला के कोई 1000 से 1500 के दरमियान होते हैं जो फॉरेनर स्टूडेंट्स हैं। और यहाँ हर रूम जो है वो हर कंपार्टमेंट जो है उसके अंदर 2 रूम्स हैं, किचन और बाथरूम टॉयलेट आप शेयरिंग पे करते हैं। तो ये ए बी और सामने वो सी बिल्डिंग है, और जो फ्रंट पे आपको छोटी सी बिल्डिंग नज़र आ रही है वो यहाँ की एकोमोडेशन के लिए और कैंटीन वगैरह के लिए जो सारे रूम्स हैं वो इधर हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपना खाना दोपहर का और रात का वो इधर से ही करते हैं। नीचे कैंटीन है जहाँ से हम नाश्ते का सामान ले सकते हैं। तो यहाँ से हम बाहर निकलते हैं, ये मेरे राइट साइड पे मैं जाऊंगा, ये यहाँ पर डिफरेंट रूम्स हैं जो आप रेंट आउट कर सकते हैं। इसमें जो स्टूडेंट्स की मस्जिद है वो भी इसी बिल्डिंग एम के अंदर है। यहाँ ये तकरीबन 100 मीटर स्क्वायर का एरिया है जिसके अंदर ऑलमोस्ट 70-80 बंदे आराम से नमाज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से वो सोशल डिस्टेंसिंग इन्होंने रखी हुई है, तो वो जो नंबर ऑफ मैक्सिमम जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आप जो हैं वो 24 आ सकते हैं। और यहाँ पे जो नमाज़ पढ़ने वाले यूनिवर्सिटी के अपने स्टूडेंट्स हैं वही तकरीबन कोई 25 के करीब हैं। फिर उसके साथ बाहर से भी काफ़ी सारे लोग हैं जो नमाज़ पढ़ने आते हैं, तो वो भी ऑलमोस्ट कोई 20 से 25 हैं। तो 40-50 स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट प्लस बाहर के लोग बन जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। जब हम दूसरी साइड पे आ गए, ए बी सी आपने देखी थी, ये बिल्डिंग एफ है, ये लास्ट बिल्डिंग है इस पूरे कॉम्प्लेक्स की। और हर बिल्डिंग के नीचे जो है वो कुछ एरियाज उन्होंने रेंट आउट किया है, किसी के अंदर पब है, किसी के अंदर स्नूकर क्लब है। ये जैसे बिल्डिंग एफ है इसके नीचे जो है वो क्लिनिक है मेडिकल, और बिल्डिंग ई जो है उसके नीचे डेंटिस्ट का ऑफिस है, और इसी तरह जो बिल्डिंग डी है उसके नीचे एक क्लब है, डेंडी क्लब उस वो है। यहाँ से हम नीचे जाएंगे तो इधर ही बिल्कुल साथ में जैसे ही उतरूँगा तो राइट साइड पे मेरे, यहाँ पर राइट साइड पे मेरे जो है ये स्पोर्ट्स का इनका कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये फुटबॉल और जो इंडोर फुटबॉल है इस तरह की जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो आप कर सकते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ ये किस तरह का व्यू है। तो ये पूरी बिल्डिंग है, इसमें टेबल टेनिस भी है, जिम भी है, और एक इकोनॉमिकल फी इन्होंने अमाउंट रखी हुई है स्टूडेंट्स के लिए कि वो ये अपनी सर्विसेज यहाँ से यूज़ कर सकें। तो आगे चलते हैं, ये यहाँ पर नीचे ये स्टूडेंट का बस स्टॉप इधर है। यहाँ से पहले तो इतना कॉमन नहीं था यहाँ से बसेस लेना, लेकिन अब काफ़ी इन्होंने ऑन डिस्काउंट कर दी हैं ये, यानी पूरे 6-1 महीने की जो इनकी टोटल प्राइस है वो तकरीबन कोई 250 रुपये है। आप जो मर्ज़ी ट्रांसपोर्ट लें, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने अब यहाँ पर अपने एक्टिवेट करा ली और बस के ज़रिए ही यूनिवर्सिटी या सेंटर वगैरह जाते हैं। यहाँ से मैं लेफ़्ट साइड पे लूँगा, ये यहाँ पे लिब्रेस की मशहूर झील है, इसमें ये आपने देखा ही है यूनिवर्सिटी से और डॉर्मेटरी से काफ़ी करीब है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने यूनिवर्सिटी लेक्चर्स के बाद और फ्री टाइम में जो है ना इधर झील पर बैठे रहते हैं। पिछले 2-4 दिन तो यहाँ काफ़ी बारिश होती रही, आज मौसम ओपन है, इसके अंदर टेम्परेचर भी तकरीबन 16-17 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ये मेरे अब राइट साइड पे जो है झील है, और ये जो वे है ये चारों सीज़न ही काफ़ी खूबसूरत रहता है, कभी बर्फ़ से ढक जाएगा, कभी ये ख़ज़ा में बिल्कुल इसमें पत्ते पड़े होंगे और येलो कलर्स में हो जाएगा, आजकल ये बिल्कुल ग्रीन है। तो
तो इस लेक के साथ जितना एरिया वो तो पेडेस्ट्रियन एरिया है, लेकिन आप ये जो साइड पर रोड है इस पर आप गाड़ी के साथ साथ जा सकते हैं, या जॉगिंग का एक ट्रैक बना हुआ है, आप जॉगिंग कर सकते हैं। यहाँ से हम ये लेक को क्रॉस कर लिया। यहाँ पे एक कंपनी है छोटी सी, ये प्लास्टिक्स बनाती है और प्लास्टिक के पाइप्स और इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाती है। और अब यहाँ से हम राइट पे जाएंगे तो ये वे जो है ये सेंटर की तरफ जाता है, और सामने अगर आपको नज़र आया तो वो यस्टेड माउंटेन है, वो सामने यहाँ की लिब्रस शहर की सबसे ऊँची पीक है, तकरीबन 1000 मीटर की बुलंदी पर। और 2010-11 में ये यहाँ पर स्कीइंग के जो कंपटीशन थे वो भी इसी जगह हुए थे यूरोपीय यूनियन के, लेकिन पिछले साल भी कुछ इन्होंने प्लान किए हुए थे यहाँ पर स्कीइंग कंपटीशन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ इतनी बर्फ़बारी नहीं पड़ी इस दफ़ा, तो वो प्लान थोड़ा सा कैंसिल ही रहा इनका। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे पुरानी बिल्डिंग है, ये यहाँ पर टेक्सटाइल कंपनी थी, बाद में बंद हो गई। तो यहाँ पुरानी बिल्डिंग को की ओनरशिप बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि रिपेयर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जो पर्सनल कॉस्ट है उसके अलावा जो रिपेयर की जो बंदे आपने लेने उनकी पर्सनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादातर लोग जो पुरानी बिल्डिंग है इनको अवॉइड करते हैं, कि जो ख़र्चा वो नई से भी ज़्यादा ही पड़ता है इन पर। तो ज़्यादातर जो पुरानी यहाँ पर बिल्डिंग्स थी, जैसे पुराने कोई चर्च थी या पुराने किसी का घर था, अब उनको जो है रेनोवेट करने के बाद लिए तो गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं थे, इन्होंने उनको जो रेंट आउट किया है वो बैंक्स को कर दिया है, कि भाई आप इसको ही रिपेयर करेंगे लेकिन बाहर का जो स्ट्रक्चर है उसको आप चेंज नहीं करेंगे, अंदर आप जिस तरह मर्ज़ी बिल्डिंग में चेंजेस करते रहें। तो ये हम बिल्कुल हम सेंटर पर आ गए हैं, ये सामने यहाँ का एक शॉपिंग मॉल है, और यहाँ से हम लेंगे राइट और लेफ्ट साइड पे मेरे पार्किंग है। ऊपर एक जहाज़ अगर आपको शायद नज़र आया हो, ये है जी हॉस्पिटल का हेलीकॉप्टर है, ये मेडिकल सर्विस के लिए काफ़ी क्विक सर्विस है इनकी, आप अगर ज़रूरत पड़े तो ये विद इन 5 to 10 मिनट पहुँच जाते हैं। यहाँ से हम राइट लूँगा मैं, इधर से ये वही रास्ता है जिससे आप अगर जाना चाहें प्राग जाना चाहें या जर्मनी या पोलैंड जाएं तो ये मेन हाईवे भी यहीं से टच होती है। राइट में मेरे IQ लेंडिया है, पता नहीं शायद आपको नज़र ना आए, और
ये सामने जो राइट अब बिल्डिंग आ रही है ये बेबीलोन है, इसके अंदर स्विमिंग पूल और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ हैं और अंदर शॉपिंग स्ट्रीट और इस तरह की चीज़ें बनाई हुई हैं इन्होंने। यहाँ सर ऐसा करते हैं कि हम चलते हैं रेलवे स्टेशन को देखते हुए, हम फिर यहाँ से आगे शहर के दूसरी तरफ चलेंगे। ये अब हम जो है रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। ये लेफ्ट पे रेलवे स्टेशन है, इसकी फ्रंट पे तो बिल्डिंग है, पीछे जो है वो ट्रैक्स और उनके पार्किंग और ये जो माल गाड़ियाँ वगैरह वो इधर खड़ी हुई हैं। शायद आपको अब कुछ कुछ नज़र आने भी शुरू हो जाएं। और अब ये जो सामने मेरे लेफ्ट बिल्डिंग आ रही है ये रेलवे स्टेशन है यहाँ का। यहाँ पर रोड्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे मैंने सीधा जाना है, ये मैं माइनर रोड से आ रहा हूँ मेन रोड के ऊपर, जो मेन रोड है वो कर्व में है और इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड वे है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो अपने एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं क्योंकि ये एक कर्व सा है और उसमें ट्राम भी आ रही है, बसेस भी आ रही हैं, कार्स भी आ रही हैं, आपको बहुत कुछ डिसीजन लेनी है। अब जैसे ये है, मैं यहाँ पर रोड पर एंटर हुआ हूँ, मैं अपनी रोड पर जा रहा हूँ, लेकिन एंड में जाके आप देखेंगे मेरे साथ साथ ट्राम लाइन जा रही है, लेकिन आगे जाके जो है ना मुझे इसके रूट पर शामिल होना पड़ जाएगा। तो मुझे काफ़ी इंटेलिजेंस के साथ जो है ना ये ड्राइविंग यहाँ करनी पड़ेगी। तो अमूमन इस रूट पर जो है ना ज़्यादातर जो एक्सपीरियंस नहीं है ड्राइवर वो आते ही नहीं है इसी डर की वजह से कि हमसे गाड़ी लग जाएगी। अब जैसे मैं यहाँ से मैंने अब लेफ़्ट लेना, अगर आप सामने मेरे देखें जो रोड मुझे मैप शो कर रहा है कि मैं मेन रोड पर हूँ और लेकिन मेन रोड कर्व में है, स्ट्रेट रोड नहीं है, यानी मुझे अब किसी को भी नहीं देखना। मैं यहाँ से अब ट्राम के पीछे पीछे जा रहा हूँ, आप देखें मैं, और मैं मेन रोड पर हूँ। तो लोग यहाँ पर रूल्स काफ़ी फॉलो करते हैं वैसे। लिब्रेस शहर के अंदर आप ट्राम को किसी भी साइड से क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन प्राग के अंदर जो है आपको इजाज़त है आप राइट से जो है ट्राम को ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन लिब्रेस शहर के अंदर जो है ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी दी ही नहीं गई कि आप राइट से उसे ओवरटेक कर सकें। तो इसका मतलब है जब तक ट्राम खड़ी है आपने उसके बैक पर ही वेट करना है। यहाँ पर ये ट्राम जो हैं वो चार ट्राम्स हैं जो टोटल चलती हैं। आप ऊपर देखें इनका काफ़ी कॉम्प्लेक्स किस्म का इलेक्ट्रिक का कनेक्शन है जो चल रहे हैं। इसमें एक दो और पाँच जो है वो तो शहर के अंदर ही हैं और एक नंबर 11 है जो शहर से दूसरे शहर को कनेक्ट करती है। तो अच्छा इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है और लोग प्रेफर करते हैं कि ट्राम लाइन के करीब करीब उनका घर हो, क्योंकि इससे ये होता है कि इनके लिए ट्रांसपोर्ट आसान हो जाती है कहीं पर जाने के लिए। जिस तरह बर्फ़ वगैरह में बाकी सर्विस शायद डिले हो जाएं, लेकिन ट्राम जो है वो ऑन टाइम चलती रहती है। लेकिन आजकल अब दूसरा मसला ये है कि इन जो नई ट्राम्स आई हैं उनकी वजह से वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो लोग जो जिनके घर बहुत करीब हैं वो कहते हैं कि नई ट्राम्स की वजह से हमारे घर वाइब्रेट करते हैं। तो इन्होंने नई ट्राम्स को लाए थे, उसके बाद दोबारा अब इन्होंने जो है वो पुरानी ट्राम्स ट्रैक पर ले आए हैं, उन पर कुछ टेस्टिंग कर रहे हैं नई ट्राम्स पर। तो मेरे अगर राइट पे देखें तो उन्होंने मना भी किया हुआ है कि आप ट्राम को इस तरह ओवरटेक ना करें, क्योंकि जो सामने से ट्राम है वो उसके साथ आप हिट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मास्क जो पहनना है बाहर आउटडोर में वो उन्होंने अलाउ कर दिया, आपको पहनने की ज़रूरत नहीं है,
लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग सेफ्टी की वजह प्रिकॉशन के तौर पर जो हैं वो खुद ही पहन रहे हैं. कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर आपको गुंजाइश दी गई है कि आप ट्राम को क्रॉस कर सकते हैं, जिसमें एक उनमें से चंद जगहों में से ये एक है. यहाँ से मैं ट्राम को क्रॉस कर सकता हूँ और ऊपर आप देखें तो टेम्परेचर की इन्होंने नई स्क्रीन्स लगाई हैं. यहाँ पर मसला ये होता था सर्दियों के अंदर टेम्परेचर 0 से नीचे होता था और रोड के ऊपर जो है ब्लैक आइस होती थी, लेकिन वो विजिबल नहीं होती थी और लोग जो हैं वो अपनी एक नॉर्मल रूटीन से गाड़ी चलाते रहते थे. तो अब इन्होंने ये स्क्रीन्स लगाई हैं ताकि लोगों को पता चल जाए कि जो रोड का टेम्परेचर है और जो एम्बियंट टेम्परेचर है वो कितना है. तो आप उसके लिहाज से ड्राइविंग करें ताकि जो अगर रोड पे स्लिपर या ब्लैक आइस की ऑप्शन है तो आपको टेम्परेचर की वजह से पता चल जाए. ये अब हम ऑलमोस्ट जो एंड है सिटी का एक साइड से उधर हम आते जा रहे हैं. यहाँ से मैं जो राइट टर्न लूँगा और हम चलेंगे सिटी के एक साइड पर शॉपिंग मॉल है उसकी तरफ और यहाँ से हम राइट टर्न ले लेंगे और ये वे जो है इसका जो तीसरी, अगर आप तीन साइडें लगाएं शहर की तो ये तीसरी साइड की तरफ मैं जा रहा हूँ जो एग्ज़िट या बिल्कुल कॉर्नर साइड है नॉर्थ पर. और इस साइड पर एक छोटा सा एयरपोर्ट है लैंडिंग एरिया जिसके अंदर जो ट्रेनर जहाज़ हैं वो खड़े करते हैं, उसके अलावा जो पैरा ग्लाइडिंग या पैराशूट वाले हैं वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं. यहाँ पर काफ़ी लोग पायलट्स का जो लाइसेंस है वो लेने के लिए भी यहाँ पर इन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया है. कुछ कोरियंस हैं, कुछ चाइनीज़ हैं, वो यहाँ से इनिशियल अपने लाइसेंस वगैरह लेते हैं. और उसके अलावा जो सिटी हॉस्पिटल का हेलीकॉप्टर है वो भी यहीं पार्क होता है, तो इन केस ऑफ नीड जो है वो यहाँ से उड़ाया जाता है. यहाँ पे स्पीड लिमिट 50 है जो सिटी के अंदर और काफ़ी जगह पे 40 और 30 भी है. मैं थोड़ा सा तेज़ चला रहा हूँ अभी वैसे अब बनिस्बत 50 या 40 की लिमिट से. और आजकल अमूमन यहाँ पे चेकिंग वैसे बहुत कम है और कोरोना की वजह से जो है वो बिल्कुल ही पुलिस ने चेकिंग करना छोड़ दी है इसी डर से कि कोई इन्फेक्शन ना फैले. सामने रेलवे ट्रैक है, ये ट्रैक है जो एक साइड पे पोलैंड की तरफ जाता है. तो इसमें क्योंकि हम बहुत करीब हैं बॉर्डर एरिया से और ट्रांसपोर्ट ख़ास तौर पे जो मालगाड़ियाँ उनकी ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा है जर्मनी से और पोलैंड से, बिकॉज क्योंकि ये जो चेक रिपब्लिक है ये कार प्रोड्यूसर कंट्री है, यानी कि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ प्रोड्यूस करती है. तो ये ट्रेन के ज़रिए जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट जर्मनी में, पोलैंड में या डिफरेंट यूरोपियन मुल्कों में होती है. तो और यहाँ पर जितने भी ये सिग्नल हैं वो बगैर किसी बंदों के हैं, यहाँ पर कोई बंदा नहीं, ऑटोमेटिक ये क्लोज होते हैं और विद इन फ्यू सेकंड दोबारा फाटक खुल जाते हैं. सामने मेरे एक और रेलवे ट्रैक की क्रॉसिंग है, लेकिन ये यहाँ का कबाड़खाना है. यहाँ पर जो गाड़ियाँ डंप होती हैं उनको प्रेस करके मेटल और बाकी चीज़ें अलग करके उसको डिफरेंट जगहों में भेजा जाता है. तो और अगर आपने अपना भी कोई सामान जो कबाड़िए में फेंकना हो उसकी एक लिमिट है. हर बंदे को जो इस सिटी में रहता हो
उसको 500 किलोग्राम अलाउड है एक साल के अंदर कि वो अपना जो कचरा है वो यहाँ डंप कर सकता है। ये उस कचरे में शामिल नहीं है जो नॉर्मल आपकी डेली रबिश है, ये उसके अलावा है, जिसमें अगर आपने घर की टाइल्स तोड़ी हैं, आपने कोई फर्नीचर है उसे फेंकना है, सोफ़ा फेंकना है, मैट्रेस फेंक रहे हैं, उसके लिए ये इन्होंने स्पेशल एक जगह बनाई हुई है। और अब मेरे राइट साइड पे जो है ये पूरी फील्ड जो है ये रनवे है इसका जहाज़ों का, और इधर ही ग्लाइडिंग और ये जो पैराशूट वाले हैं वो भी प्रैक्टिस करते हैं। आज मौसम वैसे इतना अच्छा नहीं है, विंडी है बाहर भी, तो मेरा ख्याल है आज शायद ये प्रैक्टिस नहीं करें, वरना अमूमन यहाँ पर 2-3 जहाज़ उड़ रहे होते हैं या लैंडिंग हो रहे कर रहे होते हैं, तो काफ़ी प्रैक्टिस यहाँ चल रही होती हैं। यहाँ से हम दोबारा राइट साइड लेंगे और ये आप व्यू एंजॉय करें। और सामने जो मेरे एक बड़ा सा बोर्ड नज़र आ रहा है बाऊ हाउस का, ये यहाँ का मटेरियल्स और ये जो हैवी प्रोडक्ट की शॉपिंग होती है, जिस तरह आपने ड्रिल मशीन ख़रीदनी है, आपने कोई कंस्ट्रक्शन के लिए मशीनें ख़रीदनी है, जनरेटर ख़रीदना है, आपने कलर ख़रीदने हैं, फर्नीचर का कुछ सामान लकड़ियाँ वगैरह लेनी है, उसके लिए बहुत बड़ा स्टोर है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पर ख़ुद काम करते हैं, तो उसके लिए जो शॉपिंग करनी है वो इस मार्केट से होती है। बहुत ही अच्छी आइडिया है जिसने भी बनाया, क्योंकि प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल हैं वो उन्होंने बहुत बड़ी वैरायटी रखी है, और हर किसी की उन्होंने साथ में इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी रखी है कि आप ख़ुद घर पेंट कर सकते हैं, ख़ुद फर्नीचर बना सकते हैं, उसके लिए एक यानी कुछ बनी बनाई चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यूज़र के लिए बहुत ही फ्रेंडली कर दी हैं यूज़ करना। तो अब ये बिल्कुल अब शहर के हम एक्सट्रीम एंड पर हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे शॉपिंग मॉल्स हैं, और उसके अलावा अगर आपने कारपेट ख़रीदना है, मैट्रेस ख़रीदना है, फर्नीचर ख़रीदना है, उसकी सारी मार्केट जो है वो इसी एरिया में है। और जो राइट साइड पे मेरे अब आपको मॉल नज़र आ रहा है, ये डिकाथलोन जो है ये यहाँ का स्पोर्ट्स वेयर के लिहाज से सबसे बड़ा स्टोर है यूरोप के अंदर। इसकी वैरायटी इतनी बड़ी है कि अगर आपने कैंपिंग का सामान लेना है, टेबल टेनिस है, टेनिस है, उसके अलावा आपने कोई आर्टिफिशियल ग्रास लेनी है, हॉकी का सामान है, शूज़ जो प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल, साइकिल्स, ये यानी बहुत बड़ी वैरायटी है इनके पास। अगर आप जाएँ तो जो प्राइसेस हैं वो भी काफ़ी इकोनॉमिकल हैं, और उसके अलावा वैरायटी भी बहुत बड़ी है। आजकल इन्होंने अपने बिल्डिंग के बाहर सारे कैंप्स जो होते हैं, ये जो खेमे हैं वो लगाए हुए हैं इन्होंने, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि आप आएँ, इसको देखें किस तरह का है, और आपको अगर पसंद है तो आप ख़रीद लें। तो कुछ छोटे हैं जो एक और दो बंदों के लिए हैं, और जो बड़े हैं उसके अंदर पूरी फैमिली का सेटअप है, उसमें दो रूम्स बनते हैं और बीच में एक सिटिंग एरिया है। तो यहाँ पर लोग समर में कैंपिंग बहुत करते हैं, तो ये इनके लिए एक अच्छी जगह है शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे। अभी आज ये वर्किंग डे है, फिर भी यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है। अमूमन यहाँ पर इस टाइम में रश नहीं होता, लेकिन आज थर्सडे है। और यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ से ये KFC वगैरह इधर हैं, यहाँ से बस घुमा के मैंने गाड़ी में पेट्रोल डलवाऊँगा, और आज पेट्रोल का रेट है तकरीबन 25 क्राउंस पाकिस्तानी, 130 रुपए लीटर। और यहाँ पे सारे आप सेल्फ सर्विस है, आपने खुद भरना है, खुद ही एंड में पे करें। तो ये अब हम इधर जा रहे हैं, जैसे ये नंबर 9 पे मैं अब गाड़ी खड़ी करूँगा, अगर आप देखें तो साथ में वो उन्होंने शॉपर भी लगाए हुए हैं कि हाथ से आप डिसइनफेक्ट ना हो किसी और से, तो आप वो पहन के करें।
ये मैंने पेट्रोल भरवा लिया है, तो अब मैं यहाँ से गाड़ी निकालूंगा और आगे आपको दिखाता हूँ यहाँ पर किस तरह पेट्रोल का सेटअप है। और ये अब हम जा रहे हैं इधर तो ब्रिदेन चिस्लो देवियत। Děkuji, nashledanou. Jo, hmne payment kar di hai aur ab yahan se chalenge. Yahan par ye aap safai ke liye bhi inhone banaye hain, aap gaadi mein hawa bhar sakte hain free of cost. Agar aapne vacuum karni hai to uske 15 minute ke koi 10 se 20 crowns hain, yani takriban 70 rupaye aapko dene padte hain koi 15 minute ke liye. तो यहाँ से हम बाहर निकलेंगे और अब जाएंगे हम सेंटर की तरफ दोबारा और वहाँ से यूनिवर्सिटी। यहाँ पर एक चीज़ आपने देखी होगी बड़ी ज़बरदस्त है कि आप कोई जो है वो गाड़ी का अपना मुंह नहीं फंसाता कि दूसरे की जगह रुक जाए, और जो मेन रोड पर है ये उसी के पास ही राइट है कि वो किसी को अगर अंदर आने देता है या नहीं, यानी वो ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी ले आए अच्छा मैं तो पहले पहुँच गया हूँ बाद में देखी जाएगी क्या होता है। तो शायद कर तो मैं कुछ ना सकूं अगर वो एंटर हो जाए तो शायद हॉर्न बजा लूं, लेकिन ये है कि यहाँ पर वो कॉमन नहीं है तो कल्चरली उसको पसंद नहीं किया जाता, तो लोग वेट करते रहेंगे। आपने देखा होगा बहुत लंबी क्यू थी जो वेट कर रहे थे, तो अगर मैं अंदर एक एक करके आने देता हूँ, जो नॉर्मल लोगों को मैंने देखा है कि उनकी आदत भी है कि वो दूसरों को कोशिश करते हैं कि वो भी एक एक करके आते जाएँ माइनर रोड से। तो यहाँ सर, यहाँ से अब हम जा रहे हैं सेंटर की तरफ और ये सिटी का बिल्कुल एक्सट्रीम एंड है। ये एक बस 600 जा रही है, ये गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट बस है, ये सेंटर से बंदों को उठाती है और इधर शॉपिंग मॉल में ले आती है, और हर 15 मिनट के बाद इसका रूट चलता रहता है। तो इसमें अच्छी सर्विस है कि अगर आपने जाना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग जो फार्मर्स हैं वो अपने इस तरह के स्टॉल लगा लेते हैं, जैसे ये आलू बेच रहा है, इधर आलू इसने लगाया हुआ है 120 रुपए का लगाया हुआ पैक, 10 किलो का पैक है इसका, और यानी 12 क्राउंस पर, तो तकरीबन 70 रुपए किलो के हिसाब से लगाया हुआ। लिब्रस शहर के तीन साइडों पे जो हैं वो वैसी पहाड़ियाँ हैं, और आप देख सकते हैं सामने भी इधर वो पहाड़ियाँ चल रही हैं, तो सर्दियाँ यहाँ काफ़ी एक्सट्रीम किस्म की पड़ती हैं, टेम्परेचर -10 -15 आसानी से चला जाता है। तो सामने अब वो बोर्ड आ रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि मेरे पास कोई 3-4 ऑप्शंस है। अगर मैं पहला राइट टर्न लूँ तो मैं प्राग जा सकता हूँ, या टर्नव या ये यबलनस शहर इधर जा सकता हूँ। अगर मैं सीधा जाता हूँ तो मैं सेंटर जाऊँगा, और अगर मैं लेफ़्ट के लिए टर्न लेता हूँ तो मैं ये वाली जो रोड है ये जर्मनी की तरफ जाती है, जिसमें हरादेक इनका लास्ट सिटी है चेक रिपब्लिक का, उसके बाद जर्मनी और पोलैंड का बॉर्डर आ जाता है। तो मैं यहाँ से स्ट्रेट जाऊँगा सेंटर के लिए।
अगर आपको रूल्स यहाँ के पता हैं तो ड्राइविंग बहुत मज़ेदार है, उसके अंदर आपको किसी का वेट नहीं करना, आप अपनी मेन रोड पर जाएं और सुकून से ड्राइविंग करें। लेकिन अगर आपको रूल्स में थोड़ा सा डामा डोल है और आपको नहीं पता कि प्रायोरिटी किसकी है, किसने पहले या किसने, फिर बहुत ही कन्फ्यूजिंग है। और मेरा ख्याल है चेक रिपब्लिक पूरे यूरोप के अंदर शायद चंद मुश्किल मुल्कों में से है जहाँ ड्राइविंग इतनी आसान नहीं है। दूसरा, अगर आप छोटे शहर में हैं तो उसके अंदर रूल्स बहुत ज़्यादा हैं, सिग्नल से भी कम लगे हुए हैं और आपको खुद रूल्स जो हैं वो ज़्यादा फॉलो करने पड़ते हैं। और शाम के टाइम ये सारे सिग्नल 8 बजे के बाद ब्लिंकिंग पे रहते हैं कि आपने खुद ही प्रायोरिटी के लिहाज से ड्राइविंग करनी है, तो जिसको अगर रूल्स का सही ना पता हो तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सामने मेरे गाड़ी के पीछे आप सेटअप देख रहे हैं, ये इन्होंने साइकिल के लिए लगाया हुआ है, यहाँ ये यानी दो साइकिलों का सेटअप है, यहाँ दो साइकिलें आप लेके जा सकते हैं। तो लोग अमूमन शहर से बाहर गाड़ी पे साइकिलें ले जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, वहाँ 8-10 किलोमीटर बाईसाइकिल चलाते हैं, उसके बाद फिर वापस जो है गाड़ी पर वापस आ जाते हैं। स्ट्रेट अपन सेंटर की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट साइड पर जो है वो लिविंग एरियाज है बहुत बड़े, यानी कि जिसके अंदर अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स वगैरह जो हैं वो ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसी साइड पर रहते हैं, जिसमें बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं और सस्ते अपार्टमेंट्स हैं बनिस्बत बाकी शहर के। और ये सामने मेरे जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है एक सिल्वर से कलर की रूफ है, ये यहाँ की सिटी लाइब्रेरी है, तकरीबन कुछ 7 फ्लोर्स हैं इसके और काफ़ी बड़ी कलेक्शन है इनके पास बुक्स की। इसके साथ में इनको एक जो छोटी सी आपको एक और बिल्डिंग नज़र आ रही है पत्थरों की बनी हुई, शायद विजिबल ना हो, वो यहाँ की सिनेगोगा है। ये पुराने ज़माने में जब यहाँ पर यहूदियों को निकाला गया तो बाद में फिर इनको जो है ना इन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें यहाँ पर नमाज़ पढ़ या अपनी इबादत करने की जगह दी जाए, तो ये उसके ऊपर हिब्रू में ही लिखा हुआ है और ये इनको जगह गवर्नमेंट की तरफ से दी गई कि अपनी इबादत गाह यहाँ बना लें। यह मैं बिल्कुल टाउन हॉल में पहुंच गया हूं, यहां से यूनिवर्सिटी तो मेरे लेफ्ट पे है लेकिन मैं आपको सिटी की जो मेन मजिस्ट्रेट बिल्डिंग और थिएटर जो है वो दिखाते हुए लेके चलता हूं। ज़्यादातर बिल्डिंग जहाँ पर आप जो देख रहे हैं वो कोई 100 से 400 साल के दरमियान है पुरानी, तो लेकिन काफ़ी अच्छी मेंटेन रखी हुई है। और जो वर्ल्ड वॉर का टाइम था उसके अंदर इनकी तबाही भी कम हुई थी, इनके ऊपर जो जंगों में इनके ऊपर अटैक बहुत कम किया गया था, वरना जो बड़े शहर थे चेक रिपब्लिक के अलावा वो पूरे के पूरे शहर ख़त्म कर दिए गए थे। लेकिन ये अभी भी बिल्डिंग इनकी चल सही हालत में चल रही है। ये मेरे सामने यहाँ का मेन पोस्ट ऑफिस है राइट साइड पे,
और ये यानी इसके फ्रंट से तो काफ़ी बिजी रहता है, क्योंकि यहाँ पर लोग जिन्होंने अपनी पेंशन के पैसे ले लिए हैं और उसके अलावा किसी और तरह की बैंकिंग रिलेटेड काम है वो भी यहाँ से कर सकते हैं, और जो लेफ्ट साइड पे एंट्रेंस है वो अगर आपने इंटरनेशनल कोई पोस्ट भेजनी है तो उसके लिए स्पेशल ऑफिस है। तो हर सिटी के अंदर मेन चेक पोस्ट का ऑफिस है, उसके अलावा हर मोहल्ले का अपना एक पुलिस स्टेशन और एक पोस्ट ऑफिस होता है। और यहाँ से अब हम राइट लेते हैं और आपको दिखाता हूँ, ये अब मेरे सामने जो है ये यहाँ का सिटी मेन हॉल है, टाउन हॉल, मजिस्ट्रेट बिल्डिंग है, शादियाँ वगैरह जो भी रजिस्ट्रेशन है उधर होती है, और मेरे राइट साइड पर जो है ये मेन थिएटर है यहाँ का, शायद आपको व्यू सही ना आया। और यहाँ से अब हम राइट लेंगे और वो सामने जो आप लाइब्रेरी आपको मैंने दिखाई थी वो है, और इसके साथ ही लेफ्ट साइड पे वो जो बिल्डिंग आपको मैं बता रहा था कि यहूदियों की सिनेगोगा है, इबादत का। यार रूल्स भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं अगर आप देखें, ये मैं स्ट्रेट जाना है मैंने, लेकिन जो प्रायोरिटी है वो ये टर्निंग रोड के ऊपर है जो राइट से आ रहे हैं, तो काफ़ी दफ़ा ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और अब जैसे ये लास्ट गाड़ी आ रही है तो उसके बाद मैंने ओवरटेक करना है और ये हम गए। ये यहाँ से हम यहाँ डिफरेंट ऑफिसेज हैं, ये जो है गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, वीज़ा एप्लीकेशन वगैरह, और कैडस्ट्रल ऑफिस जिसके अंदर अगर आपने प्रॉपर्टी चेंज करानी है, नई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, वो सारी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होती है। टैक्सेस की रजिस्ट्रेशन जो है सिर्फ रजिस्टर करा सकते हैं, लेकिन उसकी पेमेंट के फाइनेंस ऑफिस जो है वो डिफरेंट जगहों पर है। और यहाँ से अब दोबारा हम राइट टर्न लेके हम जो है ना अब दोबारा हम यहाँ से जाएंगे, एंड में जो है हम ट्राम लाइन पर एंटर होकर लेफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पर ये राइट साइड पर जो बिल्डिंग है ये स्कूल है यहाँ के, और ये सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे, कॉम्प्लिकेटेड लेफ्ट है ये, यहाँ का ट्राम्स भी आ रही होती हैं, बसेस भी आ रही होती हैं, तो सामने इन्होंने ग्लास लगाया हुआ है देखने के लिए, लेकिन काफ़ी दफ़ा ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये अभी यहाँ स्कूल की छुट्टी हुई है, तो क्योंकि स्कूल वगैरह ओपन हो गए हैं, स्कूल की छुट्टी हुई है तो रश भी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं लोग अपने बच्चों को कुछ तो लेने आए हैं, बाकी खुद ही ट्राम पे जाएंगे। पीछे सेकेंडरी स्कूल था, ये वाला प्राइमरी स्कूल है लेफ्ट साइड पे। और अब आपको दिखाता हूँ, ये सामने जो ट्राम जा रही है ये अब ऑलमोस्ट मिडल पॉइंट पर है, ये आखिरी जो स्टॉप है इसका सिटी ज़ू है। ये मेरे लेफ्ट साइड पे यहाँ का म्यूज़ियम गुजरा है, टेक्निकल म्यूज़ियम, इसके अंदर गाड़ियाँ और पुराने इंजन और इस तरह की चीज़ें हैं। राइट साइड पर जो है ये गैलरी है, इसके अंदर डिफरेंट आर्ट्स के एग्जीबिशन होते रहते हैं, और वो जो लेफ्ट पर आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है वो यहाँ का सिटी म्यूज़ियम है। तो ये यहाँ का सिटी म्यूज़ियम है, यहाँ से हम राइट लेके जो है ना यूनिवर्सिटी की तरफ वापस जाएंगे। और ये हम यहाँ पे वापस आए हैं, और इधर से सामने जो है वो
यहाँ का मशहूर प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी स्कूल है, और लेकिन हम यहाँ से कोशिश करेंगे लेफ्ट लेके यूनिवर्सिटी की तरफ चले जाएंगे। मैकेनिकल वालों के पास है, यहाँ से और ये दोबारा रेक्टरेट बिल्डिंग, और लेफ्ट पे मेरे वही बिल्डिंग भी जो टेक्सटाइल के पास है वो आ गई है। अब जो दूसरा बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है वो ये है कि आप पार्किंग ढूंढें। ये पार्किंग अच्छी है, इधर पार्किंग करते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे साथ वीडियो देखने का और शहर घूमने का। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।